हेलो दोस्तों, मैंने आरटीआई एक्ट 2005 के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से कुछ जानकारी मांगी थी। मोस्टली चार जानकारी थी और उसमें से कोई भी जानकारी मुझे नहीं दी गई। अफसोस की बात है, मैं आपको अभी थोड़ा सा एक ब्लंडर दिखाऊंगा। आपको मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। और उसमें मैंने एक प्रमुख मेरी मुझे ज़रूरत थी, उसमें जो चौथी जानकारी मैंने मांगी थी लास्ट, श्रीमान माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओवर्स केस में 20/11/2097 में ऑनरेबल जस्टिस श्री वी एन खरे तथा बी एन कृपाल के द्वारा आदेश दिए गए थे कि वाहन के रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन होने पर वाहन चलाने वाला ही नहीं मालिक भी जिम्मेदार होगा। उन्होंने ऐसे आदेश, मतलब उसमें ड्राइवर ही नहीं जो ओनर है गाड़ी का वो भी जिम्मेदार होगा, यानी कि उसका भी चालान होगा ही, उस पर भी एक्शन होगा यदि ओवर स्पीड में गाड़ी पाई जाती है। इसलिए मैंने जो उनसे मांगा था कि भाई जो डीटीसी की जो बसें हैं जो दिल्ली में चलती हैं, आपने देखी होंगी लाल और हरी बसें, उनके द्वारा 2011 से लेकर 2019 तक जो ओवर स्पीड के चालान हुए हैं उन बसों के, उनमें 2011 से लेकर 2019 तक के प्रत्येक वर्ष के मात्र दो ऐसे चालान दिए जाएं जिसमें चालक के साथ साथ डीटीसी का भी चालान किया गया, और चूंकि यह रजिस्ट्रेशन की शर्त है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 में ये दी गई थी। दोस्तों आपको याद होगा कि यमुना में एक बस गिर गई थी बच्चों सहित, तब यह आदेश आया था और उसमें यह कहा गया था कि किसी भी प्रकार का कॉमर्शियल वाहन जिसकी नंबर प्लेट येलो कलर की हो वो बिना स्पीड गवर्नर के या फॉल्टी स्पीड गवर्नर के साथ रोड पर नहीं चलेगी दिल्ली एंड एनसीआर में, अदर स्टेट के लिए वो नहीं है, ठीक है। हाँ, बाहर से अगर कोई गाड़ी आती है और वो दिल्ली को क्रॉस करती है तो नेचुरल है कि उसमें स्पीड गवर्नर नहीं होगा, परंतु उनको भी 40 किलोमीटर की स्पीड ही मैनुअल रखनी होगी। परंतु जो दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं या एनसीआर में जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उनमें स्पीड कंट्रोल डिवाइस इज मैंडेटरी एंड दैट शुड बी इन फुल्ली सर्विसेबल कंडीशंस, ठीक है ना। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि भाई आपने कितने डीटीसी के चालान किए हैं चालकों के साथ साथ, डीटीसी के चालक के साथ साथ आपने डीटीसी के कितने चालान किए, प्रत्येक वर्ष के दो चालान की कॉपी मेरे पास ही दी जाए। परंतु उसमें हुआ क्या है, उसमें जो एक दोस्तों जेबी टीटो मार्ग सादिक नगर नई दिल्ली के द्वारा जो यातायात का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली का, उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है कि डीटीसी के विरुद्ध परिवहन विभाग की पॉलिसी के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी सर्कुलर के तहत डीटीसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, केवल डीटीसी के चालक का चालान किया जाता है। दोस्तों मैं वर्ष 2012 में एक आरटीआई लगाई थी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ही, मैंने उनसे पूछा था कि जो परमिट कंडीशंस हैं क्या वह केवल प्राइवेट गाड़ियों के लिए ही लागू होते हैं, सरकारी वाहनों के लिए नहीं है। उसमें मुझे दबाव जवाब दिया गया था कि जो परमिट कंडीशंस प्राइवेट कॉमर्शियल वाहनों के लिए हैं वही कंडीशंस सरकारी वाहनों के लिए भी हैं, कॉमर्शियल वाहनों के लिए हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि यह कौन से दिल्ली ट्रैफिक द्वारा सर्कुलर, क्या दिल्ली डीटीसी के विरुद्ध पॉलिसी के तहत, मैं जानना चाहता हूं क्या डीटीसी और या ट्रांसपोर्ट विभाग ऑफ दिल्ली या दिल्ली पुलिस माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को ऊपर समझती हैं या वे उससे ऊपर हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वी एन खरे साहब थे उनको क्या साबित करना चाहते हैं ये माननीय एसीपी महोदय ए के सिंह, ये आईपीएस अधिकारी हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। वाह, और बाकी किसी ने भी इसमें मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी है, ठीक है। और इन्होंने प्रश्न 3 में जो है कि
मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा मान्य सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एमसी मेहता वर्सेस ऑफ इंडिया वार्स डेटेड 20/11/2097 के आदेश का अवलोकन करें। और मैंने अपने जो फोर्थ क्वेश्चन जो जानकारी थी मांगी थी उसका अवलोकन करने के बाद ही जानकारी मांगी थी। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जिम्मेदार होगा, ओनर भी जिम्मेदार होगा, उसमें लिखा हुआ है। ये क्या अवलोकन कराना चाहते हैं? मैं इनसे केवल ये जानना चाहता था कि वो जो है परमिट कंडीशंस का उल्लंघन है या नहीं है ओवर स्पीड। थर्ड क्वेश्चन में रहा था, थर्ड क्वेश्चन मेरे को बता रहे कि एमसी मेहता का अवलोकन करो। माननीय एके सिंह साहब, अगर आपके पास में सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर ना हो, मेरे पास है, ठीक है ना, वो उस आदेश की कॉपी मेरे पास है और वो बाकायदा मेरे को डीटीसी ने उपलब्ध कराई है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने मेरे को वो उपलब्ध कराई है, ठीक है। अतः ये कहना छोड़िए डीटीसी या ट्रांसपोर्ट विभाग ऑफ दिल्ली या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मान्य सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है और ना ही मान्य संसद से, ठीक है। आपको उसका पालन करना चाहिए था, शायद आप नहीं जानते होंगे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अर्थात डीटीसी की बसें पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड हैं, उनकी स्पीड मैनुअली नहीं खोल सकता ड्राइवर, जितनी भी लो फ्लोर बसेज हैं, और आप हमें बता रहे हैं। दोस्तों दूसरी, ये मेरे पास में कुछ लिफाफे हैं, इनकी संख्या 20 से कहेंगे तो मैं गिन देता हूँ, ठीक है, मैं गिन देता हूँ। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस और बाईस। ये 22 आने वाला है दोस्तों, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मुझे भेजा है। और इनमें जो पैसे की डिमांड गई की गई है वो मोस्टली हार्डली 100 रुपीज़ होगी, ठीक है। जबकि इन एनवलप को जो भेजने की जो कॉस्ट है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 400 रुपीज़ पब्लिक मनी का वेस्टेज किया है। जबकि इन सभी पुलिस उपायुक्तों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर देव शास्त्री मार्ग में भेजनी चाहिए थी और वहां से मेरे पास में डिमांड आनी चाहिए थी कि मात्र इतना पैसा आपको जमा करना है और मैं पे करता, ठीक है। यानी कि अब ये मेरे को कह रहे हैं कि आप प्रत्येक जिले में, यानी कि जितने भी लिफाफे, कम से कम इनमें 15 में ऐसे हैं, 15 से 17 ऐसे हैं कि मेरे को वहां जाके जमा करना पड़ेगा, यानी कि मैं 17 डेज खर्च करके उनके पास फीस जमा करने जाऊं, सुनिएगा, वहां जाऊं, ठीक है। इन लोगों ने, जबकि इनके पास में जो अर्दली होता है, डाक अर्दली, वो विभाग की तरफ से होता है, ये सारे के सारे इतना 400 रुपया खर्च करने की क्या आवश्यकता थी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को? क्या उनके पास में इतना अधिक पैसा है? दूसरे, इन्होंने इसमें कम से कम 15 फर्स्ट एपीलेट मेरे को दिए हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कि आप 30 दिन के अंदर वहां अपील कर सकते हैं यदि आप इस जवाब संतुष्ट हैं, जबकि जवाब किसी में भी नहीं है और जो एक जवाब दिया वो भी गलत दिया है, ठीक। तो यानी कि मैं 15 से 17 दिन तब खर्च करूं, मतलब एक महीना। इसका मतलब है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस डिनाई कर रही है इंफॉर्मेशन देने से और इनके पास में इतने फालतू के अधिकारी हैं कि 18 से 20 अधिकारी डेली इनके केवल आरटीआई की सुनवाई करते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि इनके पास में काफी मात्रा में अधिकारी हैं, उनके पास काफी टाइम है और उनके पास पैसा भी बहुत है, पब्लिक मनी। दिस इज अ वन काइंड ऑफ करप्शन कि जो अर्दली है उसको भी सैलरी दे रहे हैं, जबकि उस वो अर्दली जिले वाइज डेफिनेटली है कि वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय और दिल्ली पुलिस मुख्यालय में डेली जाते होंगे, उनका केवल यही एक काम होगा। यानी कि लगभग 40,000 रुपया पर मंथ का एक आदमी, और हर जिले में वो है, और ऊपर से 400 रुपया ये, और ऐसे पता नहीं कितने लोगों को भेजा जाता होगा। मेरा माननीय दिल्ली पुलिस कमिश्नर महोदय से निवेदन है कि आप अपने मुख्यालय में जो आपका पीआईओ, जिसको कि जिसको आरटीआई लगाई जाती है,
उसके पास सभी जिला मुख्यालयों से वो पत्र जो है उसके पास जाने चाहिए एंड ही विल डिसाइड हाउ मच अमाउंट मे बी पेड टू गेट द इन्फॉर्मेशन। आप जो हैं साहब, आप सोच रहे हैं आपने बहुत महान कार्य किया है, वाह, आहा, ठंडी ठंडी हवा ले लो भाई, इन लिफाफों की 2400 रुपये हैं दोस्तों आपके चुनने में मिला दिए। केवल रिश्वत देना या लेना ही भ्रष्टाचार नहीं होता, गबन करना ही भ्रष्टाचार नहीं होता, यह भी एक भ्रष्टाचार होता है। जिस डिपार्टमेंट में अर्दली रखे गए हों और वो डिपार्टमेंट 400 रुपये केवल मुझे, अभी मेरे तो जैसे तो पता नहीं सैकड़ों होंगे, यानी कि लाखों रुपए का एक महीने में घोटाला। सर मुख्यालय को भेजिएगा ये चीज, और वहां से मुख्यालय केवल 17 या 20 रुपए में मेरे को एक लेटर बना करके भेज सकता था, भैया इतने पैसे जमा कर दीजिए, आप इतनी इंफॉर्मेशन ले जाइए, दैट्स इट। 20 रुपए की जगह दिल्ली पुलिस ने 400 रुपया खर्च किया है, और जब जो चाहे अगर कोई चेक करना चाहता है तो कर सकता है। ये 22 के 22 एनवलप दिल्ली पुलिस से मेरे को आए हैं, और यह इंफॉर्मेशन देने से इनकार करने का एक तरीका है। दोस्तों बोलो हल्ला है, मेरी इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करना ताकि ये माननीय पुलिस कमिश्नर तक जाए हैं, ये ट्रांसपोर्ट विभाग का सर्कुलर मांगेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का नहीं। मानो ट्रांसपोर्ट विभाग जो है दिल्ली का माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। सर एके सिंह साहब, एके सिंह ही है ना, जस्ट वन मिनट, हाँ एके सिंह साहब, भापू से, भारतीय पुलिस सेवा, जन सूचना अधिकारी एम अति आयुक्त पुलिस यातायात दक्षिण पश, क्या है ये, हाँ दक्षिण परिक्षेत्र। सर जी नमस्ते, अगर एक आईपीएस होने पर आप में इतना दिमाग है, और ये सबके सब जो है ना आईपीएस अधिकारी जिन्होंने 18-22 लेटर मेरे को भेजे, किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि इनको यातायात पुलिस मुख्यालय देव शास्त्री में भेजना चाहिए था अर्दली के द्वारा, जो कि वहां डेली जाता होगा। 400 रुपये खर्च कर दिए इन्होंने, और ऐसे पता नहीं कितने डेली की सैकड़ों इनके पास मार दिया जाते होंगे, और सैकड़ों 400 × 100 कितना लगाइए भाई, 40,000 रुपया पर डे, रबेश। थैंक यू दोस्तों, ये भी घोटाला है।